गीता दीदी, आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में हकीकत में बहुत कुछ सीखा है। शुक्रिया रोहन, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आजकल बहुत मुफीद है। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे इंटरनेट के बारे में मजीद सिखाने के लिए कुछ और वक्त निकालें। मैं देखती हूँ। हाँ, कल मेरे पास वक्त है। कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी। शुक्रिया, ये तो आपका बड़प्पन है। इंशाल्लाह मैं घर पर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आदाब दीदी, अंदर तशरीफ लाइए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। मैंने वादा किया था ना, अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ। दीदी, आपने कहा था कि आजकल तकरीबन सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी जिंदगी को और आसान बना देता है। क्या आप मुझे इंटरनेट के बारे में मजीद बता सकती हैं? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आज यहाँ आई हूँ। पहले मुझे ये समझाने दो कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक आलमी नेटवर्क है जो दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट सारी दुनिया के लोगों को बात करने और इत्तलात और आदादो शुमार की अदला बदली की इजाज़त देता है। इंटरनेट के जरिए आप कोई इत्तला या पैगाम सेकंडों में दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। मुझे इंटरनेट के कुछ इस्तेमाल के बारे में बताने दो। इंटरनेट का इस्तेमाल मुख्तलिफ हलकों में किया जाता है, उनमें से कुछ हैं। मवासलात के मामलों में इंटरनेट का इस्तेमाल ईमेल के जरिए पैगाम भेजने और हासिल करने में होता है। इंटरनेट मुख्तलिफ हलकों में नौकरी की हुसूलियाबी के बारे में इत्तलात हासिल करने में मदद करता है। लोग मुमकिना मुलाजमतों के लिए अपना रिज्यूम ऑनलाइन भेज सकते हैं। सारी दुनिया में जखीरा करदा किताबों और मुताला अशिया इंटरनेट के जरिए आसानी से तलाश की जा सकती हैं। ताज़ा तरीन इंसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन दस्तयाब है। इंटरनेट हमें सेहत और अदवियात के बारे में मजीद मालूमात फराहम करता है। लोग मुख्तलिफ रागों के बारे में जान सकते हैं और मदद हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल सियाहती मकामात के बारे में मालूमात हासिल करने में किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल छुट्टियों में सफर, होटल, ट्रेनों और हवाई जहाज का रिजर्वेशन किया जा सकता है। दीदी, हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे हासिल करें? इंटरनेट जोड़ने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है। इंटरनेट जोड़ने के कुछ तरीके हैं डायल अप कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल यानी जम डिजिटल खिदमत नेटवर्क, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डायल अप कनेक्शन इंटरनेट को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर मोडेम का इस्तेमाल करता है और घर के फोन लाइन को इसे जोड़ता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मोडेम के लिए एक कॉल की जाएगी और लिंक इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए अहल बनाएगा। ये इंटरनेट से जुड़ने का पहला तरीका है। एकीकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क INSDN। ISDN डायल अप कनेक्शन की ही तरह है, लेकिन ये डिजिटल फोन लाइन के जरिए राब्ता मुहैया कराता है। ये इंटरनेट और फोन के एक ही वक्त इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। आपको एक बाहरी मोडेम की जरूरत होगी। ISDN पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पर वसई बैंडविड्थ के डिजिटल खिदमत नेटवर्क ट्रांसमिशन को अहल बनाता है, जिसका मतलब है कि एक वक्त में ज्यादा डाटा भेजा जा सकता है। डायरेक्ट कनेक्शन को डायल करने या इंटरनेट में दाखिल होने या किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। इस तरह मौजूदा खिदमत मकामी बैंडविड्थ की दस्तयाबी और कम ताखीर को तय करता है।
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL या ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट खिदमत फराहम करता है। DSL तकनीक एक ही फोन लाइन पर इंटरनेट और टेलीफोन खिदमत बगैर किसी एक को काटे एक साथ इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। DSL इंटरनेट खिदमत का इस्तेमाल खास तौर से घरों से छोटे कारोबारी इदारों में होता है। इंटरनेट से जोड़ने के लिए आपके कंप्यूटर में 3 बुनियादी अनासिर का होना जरूरी है, मॉडेम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ब्राउजर। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर का डाटा हासिल करने और भेजने की इजाजत देता है। ये डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ी जाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट खिदमत फराहम कराती है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इत्तलात को तलाश करता है, पेश करता है और चलाता है। कुछ मकबूल ब्राउजर हैं मोज़िला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर जो वायरलेस तकनीक को सपोर्ट करता है उनमें वाईफाई कार्ड होता है। वाईफाई कार्ड कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान वायरलेस मवासलात को अहल बनाता है। मेरे कुछ दोस्तों के पास मोबाइल पर इंटरनेट की सहूलत है, कोई मोबाइल पर इंटरनेट की सहूलत कैसे हासिल कर सकता है? मोबाइल पर इंटरनेट सहूलत हासिल करने के लिए आपको ज़ेली अनासिर की जरूरत होती है। एक मोबाइल जो इंटरनेट को सपोर्ट करता हो, एक मोबाइल फोन खिदमत जो डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती हो। फोन पर इंटरनेट खिदमत हासिल करने के लिए डाटा सेटिंग के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का खाता। 2G, 3G और 4G में किसी नेटवर्क में जी यानी जनरेशन को जाहिर करता है। मजीद इत्तलात भेजने और हासिल करने की मजीद सलाहियत को जाहिर करती है, यानी वायरलेस नेटवर्क के जरिए आला अहलियत हासिल करने की कुव्वत। 2G नेटवर्क नैरो बैंड डिजिटल नेटवर्क पर मबनी होते हैं। सिग्नल डिजिटल फॉर्मेट में भेजे जाते हैं जो ड्रामाई अंदाज में कॉल की क्वालिटी में सुधार और मवासलात की खामियों में कमी वाकई करते हैं। तीसरी जनरेशन का 3G मोबाइल नेटवर्क अब मकबूल हो गया है। इसने इस्तेमालकर्ताओं को मोबाइल फोन और टैबलेट पर इंटरनेट इस्तेमाल के लायक बना दिया है। 3G नेटवर्क पर डाटा ट्रांसमिशन की रफ्तार 384 kbps से लेकर 2 mbps तक होती है। 3G नेटवर्क पर ज्यादा डाटा ट्रांसमिशन की इजाजत देता है, इसलिए ये वॉइस और वीडियो कॉल, फाइल ट्रांसमिशन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, हाई डेफिनेशन वीडियो, जदीद तरीन खेल खेलने के अहल है। 3G उन इस्तेमालकर्ताओं के लिए एक अच्छा मुतबादिल है जो हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं। चौथी जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क के बारे में यकीन किया जाता है कि वो मुस्तकबिल में मजीद कदर शामिल खसूसियात खिदमत फराहम कराएगा। सभी 3G सहूलियात के साथ ये डाटा ट्रांसमिशन को 100 mbps से लेकर 1 gbps के दरमियान देने वाला माना जा रहा है। दीदी, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मोबाइल और एंड्रॉइड मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते हैं। एहतियात से ज़ेली इक़दामात करें। कीपैड वाले फोनों में इंटरनेट का इस्तेमाल। पहले मेन्यू का इंतखाब करें, फिर इंटरनेट का। अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का इंतखाब करें या होम स्क्रीन पर 0 को दबा कर रखें। आगे वेब एड्रेस दर्ज करने के लिए गो टू एड्रेस तलाश करें और पता दर्ज करके ओके दबाएं। वेब तलाश करने के लिए लफ्ज़ को दर्ज करें और सर्च पर ओके दबाएं। सर्विस से जुड़ने के लिए आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं।
वाईफाई। वाईफाई सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं, सेटिंग और कनेक्टिविटी का इंतखाब करें, फिर वाईफाई का इंतखाब करें। जिस कनेक्शन से आप जुड़ना चाहते हैं उसका इंतखाब करें। अगर जरूरी हो तो पासवर्ड दर्ज करें। एंड्रॉइड फोनों में इंटरनेट सेट करने के लिए सबसे पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन या टैबलेट की सेटिंग मेन्यू पर जाएं। ये किसी एंड्रॉइड डिवाइस पर ये ऐप मेन्यू की सेटिंग के जरिए और कभी नोटिफिकेशन बार से किया जा सकता है। अब सेटिंग मेन्यू में आप वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग तलाश करें। ज्यादातर डिवाइस में मोर या मोर सेटिंग दिया होता है, तो जो दिया हो उसे चुनें। अब अगर आप वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग पर पहुंच जाते हैं तो आप दो तरीकों से जुड़ सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट, वाईफाई। मोबाइल से इंटरनेट को जोड़ने के लिए या तो आप नोटिफिकेशन को खींचकर मोबाइल डाटा ऑप्शन चुन सकते हैं या आप वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग्स ऑप्शन में मोर सेटिंग्स को चुन सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करें। जहां पर मोबाइल डाटा चेकबॉक्स पर चेक करेंगे, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोन मोबाइल इंटरनेट से जुड़ जाएगा। दीदी, एंड्रॉइड फोनों में भी वाईफाई की सहूलत मौजूद है, उसे किस तरह जोड़ेंगे? बड़ी आसानी से। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे वाईफाई खिदमत से जुड़ोगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन मेन्यू में दस्तयाब मोबाइल वाईफाई ऑप्शन को चुनें। अब आपको दस्तयाब इंटरनेट नेटवर्कों की फहरिस्त नजर आएगी। अगर आपके पास वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन है तो ये अपने आप नेटवर्क से जुड़ जाएगा, वरना आपको वो वाईफाई नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। अगर पासवर्ड की जरूरत हो तो उसे दर्ज करें और कनेक्ट पर क्लिक करें। मोबाइल ब्रॉडबैंड तकनीक, जिसे वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, जो मोबाइल इंटरनेट से जुड़ने की सहूलत फराहम करती है। मोबाइल ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक डाटा कार्ड और एक डाटा प्लान के साथ मोबाइल ब्रॉडबैंड सहूलत फराहम करने वाले की जरूरत होती है। आप अपनी डिवाइस और डाटा प्लान हासिल करने के बाद सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी सिम के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड सहूलत को शुरू करना तय करें। आपका मोबाइल ऑपरेटर या डिवाइस फरोख्त करदा आपको इसकी इत्तला देगा। पहली बार ब्रॉडबैंड सहूलत को सेट करने के लिए ज़ेली इक़दामात करें। नोटिफिकेशन एरिया में नेटवर्क पर क्लिक करके नेटवर्क से जोड़ने का ऑप्शन तलाश करें। अपने फोन के मोबाइल ब्रॉडबैंड पर राइट क्लिक करके कनेक्ट पर क्लिक करें। अगर कहा जाए तो एक्सेस पॉइंट का नाम या एक्सेस स्ट्रिंग इस्तेमाल करदा का नाम और पासवर्ड टाइप करें। अगर आप किसी ऑटो कनेक्ट सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो चेंज और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करके इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन एरिया में नेटवर्क पर क्लिक करके नेटवर्क से जोड़ने का ऑप्शन खोलें। अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम पर क्लिक करें, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। अगर जरूरी हो तो अपने फोन को मोबाइल ब्रॉडबैंड पिन टाइप करें और फिर एंटर दबाएं। ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करके इंटरनेट को हटाने के लिए नोटिफिकेशन एरिया में नेटवर्क पर क्लिक करके नेटवर्क से कनेक्ट का मुतबादिल खोलें। अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम पर क्लिक करें, फिर डिस्कनेक्ट पर क्लिक करें। मैंने सुना है कि कोई भी अपने स्मार्टफोन को लैपटॉप से जोड़ सकता है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है रोहन, तुम स्मार्टफोन को लैपटॉप से जोड़ सकते हो। स्मार्टफोन और लैपटॉप को जोड़ने या टीदरिंग पर आपका स्मार्टफोन हकीकत में वाईफाई हॉटस्पॉट में तब्दील हो जाता है, जिसे कि आपका लैपटॉप एक्सेस कर सकता है। एंड्रॉइड फोन या टैबलेट को लैपटॉप से जोड़ने के लिए ज़ेली इक़दामात करें। पहले
वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग मेन्यू पर जाएं। कुछ फोनों में वायरलेस हॉटस्पॉट बनाने के लिए एप्स मेन्यू में ऐप होते हैं। अब जोड़ने वाले हॉटस्पॉट यानी टीदरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट या इसी तरह के ऑप्शन पर क्लिक करें। आगे मौजूद हॉटस्पॉट या इसी तरह के किसी ऑप्शन को शुरू करो और नेटवर्क का नाम सेट करो या पासवर्ड सेट करो। तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिए गए वायरलेस नेटवर्क के जरिए अपने लैपटॉप के नेटवर्क से जुड़ें। इंटरनेट के बारे में सीखना दिलचस्प नहीं था क्या? अब हम लोग मजेदार कारकर्दगी करेंगे। दीदी, क्या आप जानती हैं कि हम इंटरनेट पर कुछ तलाश करते वक्त हाइपरलिंक के सामने www क्यों लिखते हैं? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। क्या आप इसके बारे में और बता सकती हैं? जरूर रोहन, मैं बताती हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ये वर्ल्ड वाइड वेब का निशान है। वेब इसकी मुख्तसर शक्ल है, ना कि इसका मतलब। वेब सफहात से मिलकर बनता है, जिन पर वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके पहुंचा जा सकता है। टेलनेट, एफटीपी, इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट रिले चैट यानी आईआरसी और ईमेल, ये सभी इंटरनेट के हिस्से हैं, ना कि वर्ल्ड वाइड वेब के। एक तरीक़ेकार है जिसका इस्तेमाल वेब सफहात को आपके कंप्यूटर को भेजने में किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट के साथ अल्फाज या जुमला दूसरी वेबसाइट के साथ राब्ता बनाए रख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के अज़ज़ा हैं वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट, वेब एड्रेस। वेब सर्वर एक तरीक़ेकार है जो इंटरनेट पर आखिरी इस्तेमालकर्ता तक अशिया या खिदमात को दस्तयाब कराता है। वेब सर्विस वो कंप्यूटर है जो वेब पेजों को दस्तयाब कराता है। हर वेब सर्विस का एक आईपी पता और डोमेन होता है। मिसाल के लिए, अगर आप अपने ब्राउजर में दर्ज करते हैं कि url http://www.google.com/index.html, ये एक वेब सर्विस है जिसका डोमेन नाम google.com को दरख्वास्त भेज देता है। सर्वर फिर index.html नामजद पेज को हासिल करता है और इसे आपके ब्राउजर में भेजता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड वेब पर तलाश, दोबारा हासिल करने, अशिया को दिखाने के लिए होता है। इसके अलावा इसमें तस्वीर, वीडियोस और दूसरी फाइलें आती हैं। जैसे कि सारिफ या सर्वर मॉडल, कंप्यूटर पर चलने वाला वेब ब्राउजर एक सारिफ है जो वेब सर्विस से राब्ता कर किसी के लिए दरख्वास्त देता है। वेब सर्वर इत्तलात वेब ब्राउजर को भेज देता है जो नताइज को कंप्यूटर पर दिखाता है या उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते हैं। वेब पेज वो है जिनमें वर्ल्ड वाइड वेब बनती हैं। यह दस्तावेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जुबान में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के तरफ से तर्जुमा किया जाता है। वेब पेज या तो स्टैटिक होते हैं या डायनेमिक हो सकते हैं। स्टैटिक पेज हर बार खोले जाने पर एक ही अशिया दिखाते हैं। डायनेमिक पेज हर बार खोले जाने पर अलग अलग अशिया जाहिर होती हैं। ये पेज उन जबानों में लिखे जाते हैं जैसे PHP, PERL, Perl, ASP या JSP। वेबसाइट एक दूसरे से मुतालिक सफहात का कलेक्शन है। आमतौर से ये या तो एक ही मौजू पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते मौजू पर होते हैं। वेबसाइट खोलने पर जो पहला सफा नजर आता है उसे होम पेज कहते हैं। वेब पता पते का एक जरिया है जिसमें एक्सेस प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और फाइल पाथ होता है। आमतौर पर इंटरनेट पर इसका इस्तेमाल तस्वीर या दूसरे दस्तावेजात के पते का खास जिक्र करने के लिए किया जाता है।
ویب براؤزر ایک مدید ایپلیکیشن ہے جس کے ذریعے براؤزرز اطلاعات کو تلاش کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ویب براؤزرز کی کچھ خصوصیات ہیں ڈاؤن لوڈ، بک مارک اور پاس ورڈ مینج کرنا۔ اس میں افعال جیسے اسپیل چیک، سرچ انجن، ٹول بارز، ٹیبڈ براؤزنگ، ایڈورٹیزمنٹ فلٹرنگ اور ایچ ٹی ایم ایل ایکسس کیز، پاپ اپ بلاکنگ ہوتی ہیں۔ اب ہم مختلف طرح کے ویب براؤزر کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ مختلف طرح کے ویب براؤزر ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر، فائر فاکس، کروم، اوپیرا، سفاری۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے کسی ایک پر کلک کریں۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر مائیکروسافٹ کے ذریعے تیار کیا گیا اور مائیکروسافٹ ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم کے معاون پیکیج کی شکل میں 1995 میں لایا گیا۔ یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا براؤزر ہے۔ یہ براؤزر آن لائن نیویگیشن اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ تیز تلاش کی، کوئک سرچ کوئریز اور ڈائنیمک سیکیورٹی کے لیے بھی اچھا ہے۔ فائر فاکس موزیلا سے حاصل کیا گیا براؤزر ہے اور وہ انٹرنیٹ پر دوسرا سب سے مشہور براؤزر ہے۔ کیا آپ اپنے کمپیوٹر پر فائر فاکس کا استعمال نہیں کرتی ہیں دیدی؟ ہاں، یہ وہی ہے جو میں اپنے کمپیوٹر میں استعمال کر رہی ہوں۔ گوگل کروم گوگل کے ذریعے ترقی کیا ہوا ایک ویب براؤزر ہے۔ یہ بہت زیادہ رفیق شکل کو ترقی شدہ تکنیک کے ساتھ ملاتا ہے جس سے ویب تیز، محفوظ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اوپیرا اوپیرا سافٹ ویئر نے 1996 میں اوپیرا براؤزر کی توسیع کی۔ اوپیرا دوسرے براؤزروں سے چھوٹا ہے، زیادہ تر دوسرے براؤزروں سے بہت تیز کام کرنے والا ہے۔ یہ تیز ہے اور یہ کی بورڈ، زوم فنکشن اور دوسرے کے ساتھ آسانی سے چلتا ہے۔ یہ جاوا اور بغیر جاوا دونوں شکلوں میں ملتا ہے۔ انٹرنیٹ پر آنے والے نئے لوگوں کے لیے آئیڈیل براؤزر ہے۔ سفاری سفاری براؤزر ایپل آئی این سی کے ذریعے تیار کیا گیا ہے اور میک او ایس ایکس میں شامل ہے۔ یہ سب سے پہلے جنوری 2003 میں پبلک بیٹا کے نام سے جاری کیا گیا تھا۔ یہ ویب براؤزر سبھی جدید تکنیکوں جیسے ایکس ایچ ٹی ایم ایل۔ دیدی، آپ مجھے ویب براؤزر کھولنے کے بارے میں بتائیے۔ ٹھیک ہے روحن، ویب براؤزر کھولنے کے لیے ذیلی اقدامات کرو۔ سٹارٹ بٹن پر کلک کرو، آل پروگرام پر جاؤ اور کسی ایک براؤزر پر کلک کرو۔ براؤزنگ ونڈو آئے گی۔ عام طور پر ویب براؤزر اس طرح سے تقسیم شدہ ہیں۔ ٹائٹل بار ویب پیج اور ویب براؤزر کا نام دکھاتا ہے۔ اس میں تین ونڈو بٹن ہوتے ہیں، منیمائز، ری سٹور ڈاؤن اور میکسیمائز اور کلوز۔ ایڈریس بار ایڈریس بار میں اس ویب سائٹ کا نام یا یو آر ایل جسے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں لکھیں۔ اس میں گو یا ریفریش اور سٹاپ بٹن ہوتا ہے۔ گو بٹن ویب پیج یا ویب سائٹ کو لوڈ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ ریفریش بٹن آپ کو ویب پیج کو دوبارہ لوڈ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور سٹاپ بٹن ایکسپلورر کے ذریعے چلائے جا رہے کسی بھی استعمال کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ ایڈریس بار کی بائیں طرف بیک اور فارورڈ بٹن ہوتے ہیں۔ یہ بٹن آپ کو حال ہی میں چلائی گئی پیچھے کی اور آگے کی ویب سائٹ پر جانے میں مدد کرتے ہیں۔ مینیو بار پر کئی آپشنز ہوتے ہیں جیسے فائل، ایڈٹ، ویو، فیورٹس، ٹولز اینڈ ہیلپ۔ ویب پیج وہ ایریا ہے جہاں ویب سائٹ یا ویب پیج نظر آتے ہیں۔ سٹیٹس بار ویب سائٹ یا ویب پیج کی صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے جیسے ویٹنگ، لوڈنگ اور ڈن۔ سرچ انجنز سرچ انجن وہ ویب سائٹ ہیں جن کا مقصد اس ویب سائٹ کو تلاش کرنا ہے جسے اطلاع پانے کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس ویب سائٹ کا خاص پتہ موجود نہیں ہے۔ کچھ مشہور سرچ انجن ہیں جیسے گوگل، یاہو،
MSN. اس میں گوگل سب سے مقبول سرچ انجن ہے. ویب سروس کرنے کے لیے جن الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں روبوٹ یا اسپائڈر کہتے ہیں. وہ www کے ساتھ مانگی گئی اطلاع کو تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ میں ہر طرف گھومتے ہیں. ملٹی اور میٹا سرچ انجن کا مطلب ہے کہ آپ کے کی ورڈ کو تلاش کرنے میں ایک سے زیادہ سرچ انجن لگے ہیں. گوگل اور بنگ اس سرچ انجن کی مثالیں ہیں. ڈائریکٹری ویب سائٹ کی ڈائریکٹری کا استعمال کرتی ہے جو کہ ہاتھوں سے جانچی اور ان میں موجود اطلاع کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے. یہ ڈائریکٹری سرچ انجن کی مثال ہے. سرچ انجن انٹرنیٹ پر اطلاع تلاش کرنے کا اوزار ہے. سرچ انجن ویب صفحات کی طرح کے ہیں اور انہیں بھی ویب براؤزر کا استعمال کر کے کھولنا پڑتا ہے. عام طور پر سرچ انجن ایک لفظ یا الفاظ کا گروپ یا موضوع پر مبنی ہوتے ہیں. ان الفاظ یا محاوروں کو کی ورڈز کہتے ہیں. تلاش کے نتیجے ویب پیج، تصاویر، اطلاعات یا پھر کسی دوسری طرح کی فائلوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں. دیدی ہم انٹرنیٹ پر کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے سرچ انجن کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ گوگل جو کہ سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا سرچ انجن ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے ذیلی اقدامات کرنا چاہیے. پہلا، ویب براؤزر کو شروع کریں. تب ایڈریس بار یا لوکیشن بار پر یہ ٹائپ کریں www.google.co.in. مان لیجیے اگر آپ دیہی بھارت سے متعلق اسکولوں کے بارے میں اطلاع چاہتے ہیں تو یہ کی ورڈ ٹائپ کریں اسکولز ان رورل انڈیا. اب تلاش شروع کرنے کے لیے سرچ بٹن پر کلک کریں یا انٹر دبائیں. دکھائے گئے لنکس کی فہرست دیکھیں جن کے ساتھ ہر ویب سائٹ کی مختصر تفصیل بھی نظر آئے گی. معقول لنک پر کلک کریں. اگر آپ کسی اور موضوع کے بارے میں اطلاع چاہتے ہیں تو سرچ انجن کے ہوم پیج پر جانے کے لیے بیک پر کلک کریں. اب جو اطلاع آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کا کی ورڈ ٹائپ کریں، پھر سرچ پر کلک کریں. آپ کو مختلف ویب سائٹوں کے لنک نظر آئیں گے. معقول لنک کا انتخاب کریں اور تلاشی گئی اطلاع کو پڑھیں. اگر آپ کو کوئی لنک دلچسپ لگے اور آپ اس پر دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو اس پیج کو آپ بک مارک بنا سکتے ہیں. پھر براؤزنگ ونڈو سے باہر جانے کے لیے آپ سب سے اوپر داہنے کونے پر کلوز پر کلک کریں. اب روہن، میں چاہتی ہوں کہ سرچ انجن کا استعمال کرنے کی کوشش تم خود کرو. بالکل دیدی، آپ صرف یہ بتائیے کہ کیا تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، گوگل کا استعمال کر دیہی بھارت میں کمپیوٹر کی تعلیم کو تلاش کرو. قدم ایک، ویب براؤزر کھولیں. قدم دو، ایڈریس بار میں ٹائپ کریں www.google.com. قدم تین، سرچ باکس میں ٹائپ کریں کمپیوٹر لٹریسی ان رورل انڈیا. قدم چار، گوگل سرچ پر کلک کریں. کمپیوٹر لٹریسی ان رورل انڈیا کے بارے میں مختلف نتائج نظر آئیں گے. اب تم انٹرنیٹ کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہو. چلو اب ہم مزیدار کارکردگی میں حصہ لیتے ہیں.